नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान सह आचार्य इतिहास मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम कक्षा BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले व्याख्यान में हमने जर्मन एकीकरण के सहायक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क के योगदान और एकीकरण के तीन चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम और प्रतिनिधि सभा के गतिरोध ने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया, वह बिस्मार्क के रूप में जर्मन एकीकरण का सूत्रधार बनकर सामने आया। बिस्मार्क रक्त से कुलीन वर्ग का व्यक्तित्व था और वह प्रसा की असैनिक सेवा में चुना गया, परंतु उसकी निरस्ता को छोड़कर वह शीघ्र ही अपनी जागीर में आकर कार्य करने लगा। बिस्मार्क की प्रजातंत्र में आस्था नहीं थी। एक बार उसने कहा, मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। उसके विचारों को उसकी पुस्तक रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेज में देखा जा सकता है। बिस्मार्क में परिस्थितियों और व्यक्तियों के समझने की अद्भुत प्रतिभा थी। उसने फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की स्वेच्छाचारिता और अठधर्मिता का समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक की निरंकुशता का समर्थन किया, जिसकी मुख्य वजह फ्रेडरिक की नीतियों से प्रसा का उत्कर्ष रहा। बिस्मार्क जर्मन राष्ट्रवाद का दीवाना था। वह जर्मनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर पहुंचने को तैयार रहता था। बिस्मार्क ने 1851 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रसा का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ। 1859 से 1862 तक वह रूस में राजदूत के पद पर कार्य करता रहा। इसके पश्चात वह पेरिस में राजदूत बनकर पहुंचा। बिस्मार्क पूर्वाग्रहों और नैतिक शंकाओं से दूर था। उसे जहां भी उच्च आदर्श या अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिलता, वहां वह अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को त्यागने में भी कोई संकोच नहीं करता था। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। प्रसा के नेतृत्व में वह जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता था। उसका ये कट्टर विश्वास था कि जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के लिए प्रसा की ओर देख रहा है। बिस्मार्क प्राय कहता था कि जर्मनी की समस्याओं के बादल बौद्धिक भाषणों और आदर्शवाद से नहीं, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लोहे की नीति को अपनाने से छंट सकते हैं। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए खतरा था। इसके विपरीत बिस्मार्क ने साहसिक परिचय देते हुए जर्मनी की एकता के लिए प्रसा से युद्ध के लिए आह्वान किया। बिस्मार्क ने जब चांसलर पद की शपथ ली, तब सम्राट को संबोधित करते हुए कहा था, मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिनिधि सभा से समझौता करने का प्रयत्न किया, परंतु
प्रतिनिधि सभा के द्वारा समझौता प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने पर उसने उच्च सदन से बजट पास करवा कर सैन्य सुधार की ओर ध्यान पर्वत किया। बिस्मार्क का स्वप्न प्रशा को शक्ति संपन्न बनाकर उसके बैनर तले जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना और जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त कर जर्मनी का एकीकरण करना था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लोह की नीति का परिणाम था। इस नीति का अनुसरण करते हुए बिस्मार्क ने तीन लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई 1864 में डेनमार्क के साथ, दूसरी 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरी 1870 में फ्रांस के साथ। इन तीनों युद्धों के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के तीन चरणों का योगदान था। पहले चरण के अंतर्गत डेनमार्क के साथ 1864 में हुआ युद्ध था। डेनमार्क के साथ प्रशा का युद्ध होने का प्रमुख कारण स्लेसविग और होलस्टीन नामक दो रियासतों पर डेनमार्क का आधिपत्य था। यद्यपि इन दोनों ही डचियों पर डेनमार्क का आधिपत्य था, परंतु अविभाजित अंग के रूप में वो डेनमार्क का हिस्सा नहीं थे। इन डचियों पर अधिकार को लेकर दोनों में मतभेद थे। 10वीं शताब्दी से ही इन डचियों पर अधिकार को लेकर डेनमार्क और प्रशा में प्राय झगड़ा चलता रहता था। होलस्टीन और स्लेसविग में जर्मन जाति बहुमत में थी, परंतु वहां डेन लोग भी निवास करते थे। कालांतर में डेनमार्क ने दोनों डचियों पर पूर्ण अधिकार कर लिया, जिसका जर्मन लोगों ने विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1852 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय किया गया कि डेनमार्क का इन डचियों पर अधिकार तो रहेगा, परंतु वह उसका पूर्ण विलय नहीं कर सकता। लंदन की संधि का 10 वर्षों तक पालन किया गया। 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने नए संविधान के तहत होलस्टीन पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया, जिससे लंदन की संधि भंग हुई। इस प्रकार जर्मन संघीय डाइट ने डेनमार्क के खिलाफ कार्रवाई करने का मानस बनाया, जिसकी परिणति 1864 के युद्ध के रूप में हुई। इन परिस्थितियों को बिस्मार्क ने अपनी विलक्षण योग्यता और कूटनीति से समझते हुए अपने हित में भुनाया। प्रशा के नाविक विकास के लिए होलस्टीन और स्लेसविग बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते थे। उनकी भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी थी, इसीलिए बिस्मार्क इन्हें जर्मनी में मिलाना चाहता था। एक बार बिस्मार्क ने अपना मंतव्य भी स्पष्ट किया था, मैंने प्रारंभ से ही डचियों पर प्रशा का आधिपत्य चाहा, परंतु स्थिति अभी उसके नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। जनवरी 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर दोनों डचियों की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा की दोस्ती बिस्मार्क की प्रथम विजय मानी जाती है। प्रशा और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कदम उठाते हुए उन्हें ललकारा, परंतु डेनमार्क को इंग्लैंड से सहायता मिलने की आशा के कारण उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। 1864 फरवरी में ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण किया। डेनमार्क को आशा अनुरूप युद्ध में कहीं से भी मदद नहीं मिली, परिणाम स्वरूप डेनमार्क की हार हुई और अक्टूबर 64 ईस्वी में
वियना संधि के अनुसार युद्ध समाप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रसा एवं ऑस्ट्रिया का स्लेस्विग होलस्टीन और लुएनबर्ग की डची पर अधिकार हो गया। इन डचियों पर अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रसा में मतभेद हुआ। ऑस्ट्रिया की इच्छा थी कि होलस्टीन और स्लेस्विग पर ऑटनबर्ग के ड्यूक फ्रेडरिक का अधिकार हो, परंतु बिस्मार्क स्वयं इन पर अधिकार करना चाहता था। इस विवाद का निपटारा 1865 को गेस्टाइन नामक समझौते के द्वारा हुआ, जिसमें विलियम और फ्रांसिस जोसेफ के मध्य समझौते के द्वारा यह तय हुआ कि स्लेस्विग और लुएनबर्ग की डची पर प्रसा का अधिकार रहेगा और ऑस्ट्रिया को होलस्टीन से संतोष करना होगा। इसके साथ साथ कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रसा का संयुक्त आधिपत्य स्वीकार किया जाएगा और प्रसा की वहां किलेबंदी करने का अधिकार भी मिला। गेस्टाइन समझौता बिस्मार्क की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। गेस्टाइन के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण का बीजारोपण कर दिया, क्योंकि वह जानता था भविष्य में डचियों पर अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध असंभावी है, और उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी। एजेपी टेलर ने गेस्टाइन समझौते को बिस्मार्क की कूटनीतिक करिश्मा कहा, और इसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को भयभीत करने का था, और इसमें वह पूर्णतः सफल रहा। इसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध के रूप में 1866 में सामने आया। गेस्टाइन समझौते में ही कुछ ऐसी चीज़ें रख दी गई थी कि जिससे भविष्य में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होना अवसंभावी था। बस इस स्थिति के बीच में बिस्मार्क जर्मनी के लिए अनुकूल वातावरण और अपने सम्राट का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का के प्रयासों में लगा रहा। बिस्मार्क ने रूस को मित्र बनाने के लिए पोलैंड में हुए विद्रोह को दबाकर रूस की मदद की। इंग्लैंड पहले से अलगाव की स्थिति में था, अब उसे केवल नेपोलियन की चिंता थी। बियारित्ज नामक स्थान पर नेपोलियन से बिस्मार्क ने 1865 में मुलाकात की, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने बिस्मार्क का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होने पर तटस्थ रहने का आश्वासन दिया, और बिस्मार्क ने यह आश्वासन दिया कि यदि ऐसा नेपोलियन करता है तो उसे कुछ न कुछ उपहार अवश्य मिलेगा, और राइन प्रदेश मिलने की आशा में नेपोलियन ने बिस्मार्क का साथ देना स्वीकार कर लिया। बिस्मार्क बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने नेपोलियन से मिलने के साथ ही इटली के प्रमुख राज्य सार्डिनिया पिडमोंट से भी मित्रता स्थापित की, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इटली के प्रदेश वेनिशिया पर अधिकार कर रखा था। यहाँ बिस्मार्क को विश्वास था कि इटली का सहयोग उसे मिलेगा। अब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। होलस्टीन डची की जनता ऑस्ट्रिया के शासक से क्रोधित थी। ऑस्ट्रिया कील में ड्यूक ऑफ ऑटनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इसका प्रसा ने विरोध किया। ऑस्ट्रिया ने विरोध का उत्तर देते हुए ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य की संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1 जून 1866 को ऑस्ट्रिया ने स्लेस्विग और होलस्टीन के विवाद को सुलझाने के लिए जर्मनी की संघीय संसद को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रिया के इशारे पर संसद ने डेनमार्क से किए गए तीनों प्रदेश ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को देने का निर्णय ले लिया, जिसका बिस्मार्क ने विरोध किया, और इससे स्पष्ट हो गया कि प्रसा को गेस्टाइन समझौते से मुक्ति मिल गई है। बिस्मार्क ने बिना समय गंवाए होलस्टीन में अपनी सेना भेजी।
ऑस्ट्रिया ने बिस्मार्क के खिलाफ सेना भेजने का जर्मन संघ में प्रस्ताव रखा, जो पास कर दिया गया। जर्मन संसद के इस निर्णय से आहत होकर संघ को घोषित कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा प्रसा ने कर दी। ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य इस युद्ध का निर्णय मात्र 7 सप्ताह में हो गया। इतिहास में उसे 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 जुलाई 1866 को सेडोवा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। विजित राष्ट्र प्रसा के सेनापति जनरल फॉन मॉल्टके को इसका श्रेय जाता है। युद्ध स्थगन के पश्चात बिस्मार्क 26 जुलाई को ऑस्ट्रिया से निकोल्सबर्ग नामक स्थान पर संधि शुरू हुई, जिसे 23 अगस्त को प्राग में अंतिम रूप दे दिया गया, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन परिसंघ के विघटन को स्वीकार कर लिया। दूसरा युद्ध हर जाने के रूप में ऑस्ट्रिया को 30 लाख पौंड प्रसा के लिए देना तय हुआ। तीसरा, मेंस नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का प्रसा के नेतृत्व में एक नया संघ उत्तर जर्मनी परिसंघ बनाने की स्वीकृति ऑस्ट्रिया ने दी। चौथा, हनोवर, होलस्टीन, स्लेस्विग, नासाउ, हेसकौसेल आदि राज्यों को प्रसा में सम्मिलित कर लिया गया। यह युद्ध यूरोपीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे प्रसा की स्थिति मजबूत हो गई, कील बंदरगाह पर उसका अधिकार हो गया। बिस्मार्क को इस युद्ध के पश्चात यूरोप में सबसे कुशल राजनीतिज्ञ माना जाने लगा। प्रसा के उदारवादी अपना उदारवाद भूलकर बिस्मार्क के कायल हो गए। ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा कमजोर हुई, जिसका प्रभाव साम्राज्य के संगठन पर पड़ा। इटली से ऑस्ट्रिया का संबंध विच्छेद हो गया। राजनयिकों ने इस युद्ध के पश्चात कहा, सेडोवा की भूमि पर ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई है। यूरोपीय राजनीति में फ्रांस और नेपोलियन का प्रभाव इसके बाद कम होने लगा। इसी कड़ी में फ्रांस का तृतीय चरण फ्रांस पर्सा युद्ध के सामने आया, जिसके बीज सेडोवा में पड़ चुके थे। ऑस्ट्रिया की हार यूरोपीय इतिहास की आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। यूरोप के राजनीतिक संतुलन पर इस घटना का प्रभाव पड़ा। युद्ध में मिली प्रसा की विजय के परिणाम स्वरूप वह यूरोपीय शक्तियों में अत्यंत उच्च स्थान पर पहुंच गया। इसके विपरीत फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। नेपोलियन की पराजय के कारण चारों तरफ फ्रांस में उसका प्रतिकार हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस के युद्ध में ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई है। फ्रांस के जनमानस में सेडोवा युद्ध का बदला लेने के लिए नेपोलियन तृतीय पर प्रसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ने लगा। बिस्मार्क इस बात को भली भांति जानता था कि फ्रांस से युद्ध किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। फ्रांस प्रसा युद्ध के निम्नलिखित कारण थे जिसकी वजह से युद्ध अवश्यंभावी बन गया। नंबर एक, फ्रांस सेडोवा युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। नंबर दो, ऑस्ट्रिया के पराजय से यूरोप का शक्ति संतुलन बदल गया और यूरोप में प्रसा का महत्व बढ़ गया। नेपोलियन तृतीय को सेडोवा युद्ध के समय तटस्थ रहने पर कुछ उपहार मिलने की आशा थी, जबकि बिस्मार्क ने उसे कुछ नहीं दिया। चौथा, नेपोलियन हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, परंतु जर्मन राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण बिस्मार्क इसके विरुद्ध हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया फ्रांस में हुई और लग्जमबर्ग की समस्या पर विचार करने के लिए 1867 में लंदन सम्मेलन हुआ, जिसमें लग्जमबर्ग को तटस्थ राज्य मान लिया गया। इस प्रकार नेपोलियन और अधिक हताश हो गया। पांचवा, 1868 ईस्वी में स्पेन की रानी इसाबेला द्वितीय को राज सिंहासन से अपदस्त कर वहां की जनता ने प्रसा के राज परिवार के सदस्य
लियोपोल्ड को शासक नियुक्त किया। प्रसा और स्पेन का यह मिलाप फ्रांस को पसंद नहीं था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने फ्रांसीसी राजदूत के माध्यम से प्रसा के सम्राट से मांग की कि वह भविष्य में कभी भी लियोपोल्ड या उसके किसी भी वंशज को स्पेन का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। प्रसा का सम्राट विलियम उन दिनों एम्स नगर में थे। उसके अगले ही दिन विलियम दूसरी जगह प्रस्थान कर गया और फ्रांसीसी राजदूत से जो संवाद हुआ उसकी सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को भिजवा दी। तार बिस्मार्क को 13 जुलाई 1870 को प्राप्त हुआ। तार को पढ़कर बिस्मार्क निराश हो गया। उसने तार में कोई फेरबदल नहीं करते हुए उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। तार के संक्षिप्त रूप को पढ़कर दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के प्रति जन आक्रोश बढ़ गया। परिणाम स्वरूप 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस के विदेश मंत्री ने संसद में गर्जना के साथ देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रसा की सरकार से सम्मानपूर्ण आश्वासन तो प्राप्त नहीं कर सके, परंतु युद्ध का मार्ग हमारे लिए खुला है। दोनों देशों में युद्ध की घोषणा का स्वागत हुआ। प्रसा के युद्ध मंत्री वॉन रून और सेनापति वॉन मोल्टके ने सेनाओं को प्रशिक्षित कर रखा था। जर्मन सेनाओं ने तीन तरफ से फ्रांस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में फ्रांसीसी पराजित हुए और प्रसा की सेना अल्सस लोरेन तक पहुंच गई, परंतु 1800 अगस्त के ग्रेवलेट युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हो गई और 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पूर्ण जमींदोज कर दिया गया। परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने 83,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का अवसान हुआ और 4 सितंबर 1870 को वह गणतंत्र की स्थापना हुई। जर्मन सेना पेरिस तक पहुंच गई। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम का राज्याभिषेक करवाया। इतिहासकार हेज का मत है फ्रांस प्रसा युद्ध ने इस प्रकार प्रसा के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य के निर्माण को गति प्रदान की। इस युद्ध ने जर्मन सैनिक तंत्र की सर्वोत्कृष्टता की धाक जमा दी। फ्रांस के पराजय के फलस्वरूप 26 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके अनुसार अल्सेस लोरेन प्रदेशों से फ्रांस ने अपना आधिपत्य छोड़ दिया और जर्मनी का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। दूसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस ने जर्मनी को 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि का वचन दिया, जिसे 3 वर्षों में भुगतान करना था। तीसरा, जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की राशि जर्मनी को नहीं देगा, तब तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी, जिसका पूर्ण खर्चा फ्रांस सरकार को वहन करना होगा। फ्रांस प्रसा युद्ध के परिणाम, जर्मनी की यूरोप में तथा बिस्मार्क की जर्मनी में प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। दूसरा, प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। तीसरा, अल्सेस लोरेन प्रदेश, जो कोयले का प्रमुख केंद्र था, जर्मनी के अधिकार में आ गया। चौथा, फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के साथ साथ द्वितीय साम्राज्य का अवसान हुआ और तृतीय गणराज्य की स्थापना हुई। पांचवा, जर्मनी में संघीय संविधान बनाया गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रश्न उठता है कि प्रसंगवश जर्मनी के एकीकरण से यूरोप या वैश्विक परिदृश्य कैसे प्रभावित हुआ, साथ ही साथ जर्मनी की घरेलू स्थिति कैसे परिवर्तित होती है। एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी के जन्म ने मध्य यूरोप में एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना की, जिसने पश्चिमी यूरोप की श्रेष्ठता को जमींदोज कर दिया और उसका शक्ति संतुलन बिगड़ गया। यहीं से यूरोप में क्षेत्रीय शीत युद्ध की स्थिति बनने लगी
जो अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में मूर्त रूप ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। जर्मनी का एकीकरण जिस यथार्थवादी और सैन्यवादी तरीके से हुआ, उसने जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिया। जर्मनी में सैन्यवादी सत्ता का स्वरूप बना। इसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया और उसी की पैदाइश हिटलर ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुख में धकेला। लेकिन जर्मनवाद इतना सशक्त था कि शीत युद्धकालीन बर्लिन दीवार भी इन्हें ज़्यादा दिनों तक बांट कर नहीं रख सकी और 1990 ईस्वी में जर्मनी पुनः एकीकृत हो गया। ऐसा नहीं है कि उपर्युक्त परिस्थिति का निर्माण सिर्फ जर्मन शासन तंत्र ने किया, जिसमें मुख्यतः बिस्मार्क की भूमिका को माना जाता है। समकालीन ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी भूमिका संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के दायरे में रहकर अदा की। यही कारण है कि इतिहासकारों ने दोनों विश्व युद्ध के लिए सिर्फ जर्मन शासकों को ही उत्तरदायी नहीं माना है। समकालीन किसी भी राजनेता ने वैश्विक व्यक्तित्व बनने का प्रयत्न नहीं किया। माना कि बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाने के लिए गुप्त संधियों जैसी विकृत व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन नवोदित राष्ट्र के लिए आवश्यक भी था। उसे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करनी थी, जो शत्रु नंबर एक फ्रांस को ध्यान में रखकर संभव था। यदि जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय पद्धति स्थापित कर दी जाती, तो वहां न सैन्यवाद होता, न ही हिटलर जैसा अधिनायक पैदा होता। धन्यवाद। आज के इस अध्याय, इस व्याख्यान के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का अध्याय पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।